नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। ભારતીય ટપાલ વિભાગને 150 વર્ષ પૂર્ણ થયાના ઉપલક્ષમાં સરકારની વિભિન્ન નાની બચત યોજનાઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે 7થી 11 ઓક્ટોબર સુધી રાષ્ટ્રીય ટપાલ સપ્તાહની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। જેની માહિતી આપવા દક્ષિણ વિભાગ પોસ્ટ માસ્ટર જનરલ દિનેશકુમાર શર્મા દ્વારા પ્રતાપગંજ સ્થિત દક્ષિણ વિભાગની કચેરી ખાતે પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી હતી। 1874માં યુનિવર્સલ પોસ્ટલ યુનિયન યુપીયુની સ્થાપનાની વર્ષગાંઠના અનુસંધાનમાં દર વર્ષે 9મી ઓક્ટોબરે વિશ્વ પોસ્ટ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે। સમગ્ર ભારતમાં સંચારને સક્ષમ કરવાના 150 વર્ષ અને સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં લોકોને સશક્તિકરણ કરવાના હેતુ સાથે ટપાલ સપ્તાહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। વડોદરામાં 230 જેટલી ચોપાલ કેવા આવશે, જેમાં પાર્સલ દિવસ, ફિલાટિક દિવસ, વિશ્વ પોસ્ટલ દિવસ, અંત્યોદય દિવસ સહિત વિત્તીય સશક્તિકરણ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવશે। આ દિવસની ઉજવણી એક પેડ માં કે નામ થીમ પર વોકિંગ ઇવેન્ટ, ફિટ પોસ્ટ ફિટ ઇન્ડિયા અને વૃક્ષારોપણ સમારોહ યોજાશે। આધાર નોંધણી અને અપડેટ કેમ્પ સહિત કન્યા વિકાસ યોજનાઓ વિશેની જાણકારી આપવામાં આવશે। આજ જો હે ભારતીય ડાક વિભાગ 7 ઓક્ટોબર થી 11 ઓક્ટોબર કે બીચ મે રાષ્ટ્રીય ડાક સપ્તાહ મના રહા હે। ઓર યે જો રાષ્ટ્રીય ડાક સપ્તાહ હે, યે યુનિવર્સલ પોસ્ટલ યુનિયન UPU की स्थापना 1874 में हुई थी। अभी आज उसको 150 साल हो गए हैं। तो उस 150 सालों से जो है ये विश्व डाक सप्ताह, राष्ट्रीय डाक सप्ताह के रूप में हम लोग मनाते रहे हैं। डाक सप्ताह के दौरान 7 दिन में हर एक दिन अलग अलग प्रकार की गतिविधियां होती है। जैसे कि मैंने बताया कि कल हमारे यहाँ बल्क मेलर्स और डाकघर निर्यात केंद्र की जो सेवाएँ ले रहे हैं हमारे निर्यातक बंधु, उनके लिए हमने मीटिंग्स और फीडबैक सेशन रखे थे। इसी तरह से फिलाटली दिवस के ऊपर, फिलाटली जो हॉबी का राजा कहा जाता है और राजाओं की हॉबी कहा जाता है, उसके ऊपर बच्चों के बीच में फिलाटली को कैसे लोकप्रिय बनाया जाए उसके बारे में, और 2.5 आखर लेटर राइटिंग कंपटीशन के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। इसी तरह से विभिन्न तरह की जो वित्तीय सेवाएँ डाक विभाग दे रहा है, वो चाहे RD हो, FD हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, महिला सम्मान बचत योजना हो, या जो है आधार इनेबल्ड पेमेंट्स हो, IPPB के माध्यम से बहुत सारी सेवाएं दी जा रही हो, पासपोर्ट की सेवाएं दी जा रही है, आधार की सेवाएं दी जा रही है, तो उन सारी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए डाक विभाग पूरे सप्ताह लोगों के साथ एंगेजमेंट करता है। और इस सप्ताह के दौरान ही हम लोग लगभग 2 से 3 हज़ार स्थानों के ऊपर वडोदरा रीजन में डाक चौपाल भी आयोजित करेंगे, जहां गांव के सभी लोग, वहां के सरपंच, वार्ड मेंबर, वहां के स्कूल के प्रिंसिपल, हेडमास्टर, आंगनबाड़ी सहायक, ग्राम सहायक और वहां की जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर वाले लोग हैं, ये सारे लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं। और डाक विभाग की तरफ से जितनी भी भारत सरकार की या राज्य सरकार की स्कीम का लोगों को फ़ायदा हो सकता है, वो सारी स्कीमों के बारे में उन लोगों को बताते हैं। और ऑन दी स्पॉट ही अगर किसी को अकाउंट खुलवाना है, अकाउंट खुलवाते हैं, किसी का पेमेंट कराना है, पेमेंट कराते हैं, अगर किसी की कोई समस्या है तो वो समस्या का भी समाधान वो ऑन द स्पॉट ही वहाँ पे करवाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी जो खाकी वर्दी जो है वो पोस्टमैन की ड्रेस निर्धारित है, और यहाँ पे डाक विभाग का ऐसा लोगो जेब के ऊपर लगा रहता है और सभी लोग उसको पहनते हैं। और मतलब ऐसा नहीं है कि गणवेश विभाग जब चाहेगा तो डेफिनेटली पोस्टमैन और बाकी सभी लोगों के फीडबैक लेकर के उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन जब प्रोजेक्ट एरो शुरू हुआ था तब से जो निर्धारित गणवेश है वो डाक विभाग वही चली हुई है। अभी ऐसा परिवर्तन जैसा कोई इरादा हमारी जानकारी में नहीं है। मेरा नाम दिनेश कुमार शर्मा है, मैं यहाँ पे पोस्ट मास्टर जनरल वडोदरा रीजन हूँ।